जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राज ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं देश के एक प्रमुख संस्थान IIITM से M.Tech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं और बचपन से एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूं। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष की यह विद्या केवल वर्षों के अध्ययन के बाद ही साधी जा सकती है, जो कि किसी भी ढोंगी पाखंडी के बस की बात नहीं है। ये केवल आपको लूट सकते हैं, आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 2 फरवरी 2019 दिन शनिवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज त्रयोदशी तिथि रात 9:19 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से लेकर 12:56 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:49 से लेकर 11:12 तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको एक ऐसा सरल पर अचूक टोटका बताने जा रहा हूं जो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस टोटके को जानने के लिए आप अंतिम तक इस वीडियो को देखते रहें। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने अड़ोसियों से, अपने पड़ोसियों से, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, ताकि हमारे सनातन हिंदू धर्म की ये ज्ञानवर्धक बातें हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सके, जिससे कि आपका जीवन सौभाग्यशाली हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और आप और आपके मित्रगण ढोंगियों पाखंडियों से सावधान रहें और उनसे बच सकें। क्या आप जानते हैं कि राशि या राशिफल देखने का सही तरीका क्या है? क्या आप यूरोपियन पैटर्न के हिसाब से अपना राशिफल देखते हैं, जिसके अनुसार सूर्य एक राशि में एक महीने तक वास करता है? उदाहरण के तौर पर सूर्य मकर संक्रांति से लेकर 13 फरवरी तक मकर राशि में वास करता है। तो क्या मकर राशि वाले सभी लोगों को इसी से अपना राशिफल देखना चाहिए? नहीं, यह सही तरीका नहीं है। अगर यह तरीका सही होता तो 133 देशों के जो लोग हैं वो गुरुजी के पास क्यों आते? क्यों वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सभी परेशानियों के लिए हिंदुस्तान की ओर ताकते? हर विदेशी व्यक्ति क्यों हर एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए हिंदुस्तान की ओर खींचा चला जाता है? इसका कारण है हमारे ऋषि मुनियों का वैदिक ज्ञान। इसके अलावा जो लोग हैं वे अपना राशिफल चंद्र राशि के अनुसार भी देखते हैं, जिसके अनुसार चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक वास करता है। जिन लोगों को अपना जन्म स्थान, जन्म समय या जन्म की तारीख नहीं मालूम, वे राशियों के नीचे आ रहे जो प्रथम अक्षर हैं, वे अपने प्रचलित नाम के प्रथम अक्षर से मिलाकर अपना राशिफल देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए अपने भाग्य पर अत्यधिक निर्भर होकर ना रहें। यदि आप आज तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी के लिए उसे टाल दें। आज तीर्थ यात्रा के लिए आपका समय शुभ नहीं है। आज आपकी विदेश यात्रा भी निष्फल हो जाएगी।
आज पीला रुमाल अपने पास रखना आपके लिए शुभ होगा। यदि आपके मकान की छत पर आज कोई कबाड़ का सामान रखा हुआ है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर कर दें। आज यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो अपने आप ही आपके अटके हुए काम बनने लगेंगे। आज व्यर्थ की चिंताओं में घिरकर आप तनावग्रस्त रह सकते हैं, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप मेडिटेशन करें और सभी नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। आज आपको जरूरत है कि आप अपने भाइयों के साथ अपने आपसी रिश्ते को मजबूत करें। आज आप अपने भाइयों के साथ समय व्यतीत करें और यदि आप दोनों के बीच में कोई मतभेद है तो उन्हें आप शांति से बैठकर सुलझाएं। आज के दिन यात्रा करना अत्यंत आवश्यक ना हो तो उसे टाल दें, क्योंकि आज आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज यदि आप मानसिक चिंताएं मिटाने के लिए शराब, मदिरा इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आज शाम के समय शनि देव के मंदिर जाकर तेल चढ़ाने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज गले में चांदी की चेन धारण करना भी आपके लिए शुभ होगा। आज पढ़ाई के मामले में स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज यदि स्टूडेंट्स किसी नए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए इस विचार को टाल दें। आज आपकी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करना आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। युवक आज विशेष तौर पर सावधान रहें। आज किसी स्त्री के चक्कर में पड़कर आपको अपमानित होना पड़ सकता है। आज अपने गृहस्थ जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ कलह होने से आपका मूड भी ऑफ रहेगा। आज दूध और पानी से संबंधित व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को घाटा होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज अपनी माता जी से झगड़ा करना आपके भाग्य का नाश कर देगा। आज यदि आप अपने ससुराल पक्ष से चांदी गिफ्ट में लेकर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। आज कौए को दाना डालना आपके लिए शुभ होगा। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज लोहे की मशीनरी से संबंधित व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को धन हानि हो सकती है। आज आप यात्रा करने से परहेज करें, क्योंकि आज आपके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज आपको अपने मामा जी के घर से भी कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको वर्क प्लेस पर केवल अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि दूसरों की बातों में उलझने से आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। आज आप किसी भी चमड़े की वस्तु का प्रयोग करने से भी बचें, इससे शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। आज व्रत रखना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप किसी भी झगड़े फसाद में पड़ने से बचें, अन्यथा आज आप ऐसे शत्रु बना बैठेंगे जो आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ेंगे और हर समय आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हृदय के मरीजों को भी आज अपना ध्यान रखना है। आज आप जुआ, सट्टा बाजार, शेयर इत्यादि में धन लगाने से बचें, अन्यथा आप उस धन को नष्ट कर बैठेंगे। आज आप दाद, खुजली या स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के कारण परेशान रह सकते हैं। आज आपको व्यर्थ में ही कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आज आप तांबे की कोई वस्तु घर में लाकर रखें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए
अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। जय शनिदेव। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। लव लाइफ के मामले में आज आप अपनी ही गलती से अपने पार्टनर का दिल दुखा सकते हैं। आज आप अपने पार्टनर को हर संभव तरीके से खुश रखने का प्रयास करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है या छोटी छोटी बातों पर ही आपके आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें तुरंत कॉल करें और अपनी और अपने पार्टनर की जन्म कुंडली गुरु जी या गुरु माँ को दिखवाएं और ऐसे उपाय प्राप्त करें जो आपकी लव लाइफ को ट्रैक पर ले आएंगे। आज आपके विदेश जाने के भी प्रबल योग बन रहे हैं और ये विदेश यात्रा आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी और इससे आपकी उन्नति के नए अवसर खुलेंगे। यदि आप आज कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पूर्व पानी अवश्य पिएं। मानसिक परेशानियों के कारण आज आप थोड़े बहुत बेचैन रह सकते हैं। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपना ध्यान रखें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। आज आप अपने शिक्षक गण और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी सेवा करें। उनके आशीर्वाद से आज आपको सफलता प्राप्त होगी। लव लाइफ के मामले में आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा और आपकी गृहस्थी में शांति का माहौल बना रहेगा। आज आत्मविश्वास की कमी से आपका मनोबल थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उनसे अपने सुख दुख साझा करें, क्योंकि आज आपके सगे संबंधी ही आपका हौसला बढ़ाएंगे। यदि आप अपने घर में काले कुत्ता पालते हैं या उसकी सेवा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। आज आपको अपने पितृपक्ष की ओर से भी कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। आज आपके भाग्य का सितारा भी डूबा हुआ है और आज आपके बने बनाए काम भी अटक जाएंगे। नया घर या वाहन लेने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है, परंतु आपका गृहस्थ जीवन आज खुशहाल रहेगा और आज आपको अपने पार्टनर का भरपूर साथ मिलेगा। आज आप अपने माथे पर दही का तिलक अवश्य लगाएं। अपने गुरुओं और ब्राह्मणों की सेवा करना आज आपके लिए शुभ होगा, परंतु आज आप किसी को भी तेल दान ना करें। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप लोगों को क्रोध करने से बचना है, अन्यथा आप अपने ही किए कराए पर पानी फेर देंगे। स्टूडेंट्स भी आज व्यर्थ में क्रोधित होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिस कारण उनको थोड़ा तनाव भी हो सकता है। मेरा स्टूडेंट्स को यह सुझाव है कि यदि वह आए दिन ऐसा महसूस करते हैं कि उनके परिश्रम के अनुकूल उनको फल नहीं मिल पाता है और उनके एग्जाम से नंबर कम आते हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मारुकमणि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और आप सदैव ही एग्जाम्स में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। हम ये गारंटी लेते हैं कि यदि हमारे बताए उपायों को करने से भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम आपके उपाय पर खर्च किए हुए सभी पैसों को लौटा देंगे। यदि आप आज गलत रास्तों से धन कमाते हैं तो यह आपको बरकत नहीं देगा और सदैव आपको अशुभता प्रदान करेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं वो अचूक टोटका जो हर व्यक्ति सरलता से कर सकता है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज आप शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के पास जाकर दिया जलाएं और 7 बार पीपल की परिक्रमा करें।
परिक्रमा करते हुए आप एक मूली से वृक्ष के तने को लपेटते चलें। परिक्रमा करने के पश्चात आप पीपल के वृक्ष में वास करने वाले हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना मांगें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण श्रद्धा से आज यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज का दिन व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अत्यंत शुभ होगा और आज उनको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। आज आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे और इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, परंतु भाग्य आज आपका विशेष साथ नहीं देगा। आज आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपको कमर दर्द या दाद खाज इत्यादि स्किन डिजीजेस के कारण परेशान होना पड़ सकता है। आज आपके मित्र ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज आपका अपने रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। तो आइए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अपने व्यवसाय में धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके ही गुस्से के कारण आपके पुराने कस्टमर्स आपसे नाराज हो सकते हैं या भ्रमित होकर आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर बैठेंगे जिससे आपका धन नष्ट हो जाएगा। आज आपकी ही शरारतों के कारण आप अपने प्रियजनों का दिल भी दुखा सकते हैं। आज अंडा मीट मुर्गा शराब इत्यादि के सेवन से आपको बचना है, अन्यथा आप भाग्यहीन हो जाएंगे। यदि आप आज चांदी का हाथी घर में लाकर रखते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और सुबह उठते से ही आप पूर्ण रूप से तरोताजा महसूस करेंगे। आज आपका भाग्य भी आपका भरपूर साथ दे रहा है। जो लोग गायन वादन या एक्टिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं आज उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा है और आज उनको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आज अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। यदि आज आप कोई तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। आज तीर्थ यात्रा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज व्रत रखना भी आपके लिए शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। क्या आप अपने सपनों का घर ना बना पाने के कारण परेशान हैं? क्या आपके पास अपना मकान ऑफिस या शोरूम नहीं है? क्या हर महीने आप इन जगहों का रेंट दे देकर थक चुके हैं? क्या आप अपने मकान मालिक लैंडलॉर्ड की दादागिरी से परेशान हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें